हेलो एवरीबॉडी। वैसे तो गूगल प्ले बेटा बहुत ही बेस्ट इम्यूलेटर है हेडशॉट मारने के लिए, क्योंकि इसमें जितने इजीली हेडशॉट लगते इतने किसी भी इम्यूलेटर में नहीं लगते। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी उतनी है, जैसे कि स्प्रिंट बटन प्रॉब्लम हो गई, या फिर इसमें मैं कहूँ माउस डिले भी हो जाता है कभी कभी, नहीं बहुत बार, ज़्यादा बार माउस डिले होता है। जो आपका माउस डिले होता है वो सेंसिटिविटी की वजह से होता है, तो मैं आपको आज ऐसी सेंसिटिविटी देने वाला हूँ जिससे ना तो आपका माउस डिले होगा और ना ही आपको स्प्रिंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और हेडशॉट भी आपके बहुत ही तगड़े लगेंगे। फ्री फायर ने इस बार सेंसिटिविटी को 200 कर दिया है, और चाहे पीसी हो या मोबाइल हो दोनों में ही 200 कर दिया है। उन्होंने सेंसिटिविटी में छेड़छाड़ की, इसलिए गेम में भी हमारी स्मूथनेस आई है। तो चलिए मैं आपको आज की अब तक की बेस्ट सेंसिटिविटी बता देता हूँ गूगल प्ले बीटा की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ यार, मैं भी इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ, मेरे को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। आज नहीं तो कल आपके सपोर्ट से हम एक दिन बड़े यूट्यूबर जरूर बनेंगे, इसलिए प्लीज आज आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैंने गूगल प्ले बीटा की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, जिसमें आपको फ्री फायर डे वन से लेकर जब तक आप प्रो नहीं बन जाते तब तक के सारे वीडियो उसमें है, चाहे वो सीटअप ग्लोबल मेकर हो, सिंगल AWM मेकर हो, डबल AWM मेकर हो, या फिर बेस्ट की मैपिंग का ही क्यों ना हो। और एक बार तो मैं बता चुका हूँ आपको कि फास्ट रिमोट कैसे करें गूगल प्ले बीटा में, लेकिन अभी मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ। फिलहाल आज के लिए हम आपकी बेस्ट सेंसिटिविटी बता देते हैं। सबसे पहले जो हमारा गूगल प्ले बीटा रहता है, तो इसमें आप भले ही कितना कर लो आपकी गोली ज्यादातर इधर से उधर नहीं जाती है। आप बहुत ज्यादा सभी इम्यूलेटर में देखते होंगे उसमें अगर आप इसको भी इन करके भी करते हो तो इधर से उधर ज्यादा गोली जाती है। और मैं यहीं पर रिकॉल की बात करूँ तो गूगल प्ले बीटा एकमात्र ऐसा इम्यूलेटर है जिसमें बहुत ही कम, या फिर मैं कहूँ सबसे कम इसी में आपको रिकॉल देखने को मिलता है। लेकिन इसमें अगर आपका रिकॉल होता है या फिर आपकी गोली इधर से उधर जाती है तो भैया आपको आपकी सेंसिटिविटी में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तो आपको उसको बहुत जल्दी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और जब हम स्प्रिंट करते हैं तो हमको क्लोज फाइट लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि उनको क्लोज रेंज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसके भी पीछे थोड़ा सा हाथ हमारे इसका सेंसिटिविटी का है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो आपकी एक्सटर्नल DPI रहती है, यानी कि जो माउस DPI रहती है, क्योंकि गूगल प्ले बीटा में आपने देखा होगा कि हमारी इम्यूलेटर DPI नहीं रहती जो कि हमारे अदर इम्यूलेटर्स में रहती है। इसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड करना इजी हो जाता है। इसलिए जो सबसे पहले आपका माउस DPI रहता है उसको आपको किसी भी एक चीज पे कंसिस्टेंट रख लेना है। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको उसको 800 पे रख लेना है, फिर 1600 पे रखना है। अगर आपका माउस ज्यादा पे जाता है 800, 1600, 2400, 3600 जैसा कि मेरा जाता है, तो आपको उसको मैं बोल रहा हूँ 800 और 1600 पे रखना है। ऐसा क्यों रखना है? इसकी वजह है माउस डिले, क्योंकि अगर आप ज्यादा गेम की सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा कम कर देते हो और आपकी नॉर्मल सेंसिटिविटी को आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, माउस DPI को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, तो इसकी वजह से आपका माउस डिले होता है। ठीक है, ये आपके माउस डिले की बहुत मेन वजह। सपोज कीजिए आप किसी भी एक नॉर्मल सेंसिटिविटी पर खेल रहे हो, लेकिन आप उसके पे एक महीने तक खेला आपने, फिर एक महीने बाद आपको जो आप नॉर्मल सेंटू खेलते हो एक तो आपके आई को तो कैचिंग हो जाएगी, परफेक्ट लगेगी आपको, लेकिन फिर उसके बाद आप कभी कभी ऐसे सोचोगे यार कि कभी कभी मेरी सेंसिटिव हेडशॉट नहीं लग रहे, मैं चेंज कर लेता हूँ। और फिर बाई मिस्टेकली अगर आप किसी भी बड़ी DPI पे खेल लेते हो तो आपको लगेगा कि यार मैं तो पहले बहुत कम बहुत स्लो DPI पर खेलता था, इसलिए आपको सेंसिटिव को चेंज नहीं करना है। जिस भी सेंसिटिव खेलो एक पर ही खेलना। और अब हमारे फ्री फायर में 200 सेंसिटिव तक जाने लग गई है, तो बहुत ज्यादा लोग इस 200 की ट्राई करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ इसके चक्कर में ना तो आपका हेडशॉट लगेगा 200 सेंसिटिव आपको रखने में, और ना ही आपका बंदे के ऊपर एम जाएगा। 200 सेंसिटिविटी रखने से कुछ भी मतलब नहीं है, आपको आपकी एक DPI माउस DPI फिक्स कर लेना है, जैसे कि 800 या फिर 1600। अगर आपका नॉन गेमिंग माउस है जिसमें DPI चेंज नहीं होती है तो कोई बात नहीं, उसमें जो आती है उसी को रखना है। इसके बाद जो आपकी गूगल प्ले बीटा के अंदर की सेंसिटिविटी रहती है, देखो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको 70-80 रख लूं, तो वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है गूगल प्ले बीटा के हिसाब से। अगर आप 800 DPI पर खेल रहे हो तो भी आपको बहुत ज्यादा ही सेंसिटिविटी लगेगी 70-80 भी, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ये 70 जो हम सेंसिटिविटी रखेंगे गूगल प्ले बीटा की, लेकिन मैं आप कंट्रोल कर पाओगे, मुझे पता है आप उस चीज को आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन इसमें आपकी एनिमी के ऊपर जाओगे तो आपका एम शेक होगा जैसा कि मेरा हो रहा है, आपकी गोली इधर उधर बहुत ज्यादा जाने के चांसेस है। और जो ट्रेनिंग ग्राउंड में बोट रहते हैं इनको तो हर कोई हेडशॉट मार लेता है, तो आप इनको तो हेडशॉट मार लोगे, लेकिन जब आपके सामने एनिमी आएगा आपके क्लैश स्क्वाड या फिर और किसी गेम में, तब आप उनको नहीं मार पाओगे। इसलिए इस सेंसिटिविटी को आपको इतना ज्यादा भी नहीं रखना है, जैसे 70-80 भी नहीं रखना है। अब मैं यहाँ पर मेरी सेंसिटिविटी को और ज्यादा कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ मेरे 20। ठीक है, मैंने यहाँ पर 20 रख ली, मेरी मैं नॉर्मल 9 रखता हूँ और अब मैं 19 पर खेल रहा हूँ। अगर आप 800 DPI पर खेल रहे हो तो ये सेंसिटिविटी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, जैसे 19 मैंने यहाँ पर रखा हुआ, तो अगर 800 DPI वाले और नॉन गेमिंग माउस वालों के लिए, क्योंकि इसमें आपका एम बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा DPI पर खेलते थे तो ये DPI आपको इतनी कम लगेगी कि आप कहोगे कि भाई मैं क्या खेल ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप 2-3 दिन खेलोगे तो आप 2-3 दिन के बाद आपको हैबिट हो जाएगी इस चीज की। लेकिन मेरा एक ना, अगर आप हाई DPI पर खेलते हो तो आपको स्टार्टिंग से ही उस पर हाई DPI पर खेल रहे हो तो आप भी आपको हाई DPI पर ही खेलता है, मेरी सेटिंग को आपको कुछ चेंज नहीं करना है। मैं खेलता हूँ 1600 DPI, माउस DPI मेरी 1600 रहती है गूगल प्ले बीटा की, और 8 DPI 8 या फिर 9 DPI सॉरी सेंसिटिविटी जो रहती है 8 या 9 वो मेरी गूगल प्ले बीटा की रहती है। अब यहाँ पर मैं मेरी DPI को नॉर्मल DPI पर सेट कर लेता हूँ जिसमें मैं रेगुलर खेलता हूँ। अब मुझे भी ये DPI इतनी स्लो लग रही है, मैं इस पर खेल नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ? क्योंकि मैं जो आपके लिए नई नई DPI ट्राई करता हूँ, मतलब नई नई सेंसिटिविटी को ट्राई करता हूँ, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा बार हाई सेंसिटिविटी भी खेलता हूँ, तो मुझे आफ्टर ऑल कुछ टाइम बाद अगर मैं मेरी नॉर्मल सेंसिटिविटी पे खेलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा कम है।
10-15 मिनट बाद खेलने के बाद मुझे एहसास हो जाता है कि मेरी सेंसिटिविटी सही है, बिल्कुल ही अच्छी सेंसिटिविटी है मेरी, तो मेरे को इस पे हैबिट हो जाती है। और आप जब भी गेम खेलो तो आपको स्कोप ऑन ऑफ कर लेना है। जैसे कि अभी देखो मैं यहाँ पर स्कोप ऑन कर रहा हूँ, मैं मेरे स्कोप को ऑन करता हूँ जब ये साइड में पिलर दिख रहा है, इस पिलर के जगह पर मैं ले जाकर भी मेरा स्कोप ऑन करता हूँ तो मेरा बंदे के ऊपर एम चला जाता है। देखो मेरे पास, मैं पिलर पर ऑन करूंगा मेरा स्कोप, लेकिन वो बिल्कुल एनिमी के जो हमारे बोट खड़े तो इन बोट के ऊपर चला जाता है। जब आप ज्यादा माउस डीपीआई पर खेल रहे हो तो आपको यही काम पहले करना है कि सबसे पहले आप जैसे उस बंदे के ऊपर एक दो गोली मारते हो तो आपको स्कोप ऑन करके ऑफ कर लेना, उससे क्या रहेगा कि आपका एम आपके बंदे के ऊपर चला जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में एनिमी जा रहा है तो उसके ऊपर एम चला जाएगा। आपने बहुत ज्यादा यूट्यूबर को देखा होगा कि वो एक दो गोली फायर करते हैं और फिर अपना स्कोप ऑन कर लेते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार उनका एम चला जाएगा फिर वहां से थोड़ा सा भी वो ड्रैग कर देंगे तो हेडशॉट लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और भी अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा चैनल नीचे जा रहा है हमारे हैक होने के बाद, इसलिए प्लीज मेरे लॉयल सब्सक्राइबर मेरी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना और हमारा चैनल विजिट करना, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे चाहे वो किसी भी इम्यूलेटर से रिलेटेड क्यों ना हो। आज के वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।